केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल की दो विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की, जिसमें उत्तर और मध्य विधानसभा के बीच में राजा भोज की प्रतिमा पर अमित शाह ने माल्यार्पण कर राजा भोज को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल को बसाने वाले राजा भोज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोज तालाब में राजा भोज की प्रतिमा भोपाल की मध्य और उत्तर विधानसभा की सीमा पर है। विधानसभा चुनाव में राजा भोज के नाम पर वोट पाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। कुछ इतिहासकारों ने राजा भोज के अवदान को कम करके आंकने का प्रयास किया, लेकिन अब राजा भोज को वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार थे। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, मध्य विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी शामिल हुए। आलोक शर्मा का कहना है कि इस बार उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के किले को ढहने का काम किया जाएगा और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। आज राजा भोज की प्रतिमा पे यहाँ आए थे और पुष्पांजलि अर्पित की है और यही संदेश है कि हम राजा भोज के बताए मार्ग पर चलें और किस प्रकार से भोपाल की सभी सीटें, मध्य प्रदेश की सभी सीटें कैसे जीतें, इसके लिए आधुनिक राजनीति के चाणक अमित शाह जी ने पार्टी के संगठन के प्रमुख हमारे पदाधिकारियों को संगठन को टिप्स दिए हैं। उत्तर विधानसभा कैसे जीते, मध्य विधानसभा कैसे जीते, भोपाल की अन्य विधानसभा कैसे जीते, उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उनको आने वाले 10 दिन के अंदर उनका हम बारीकी के साथ माइक्रो लेवल स्तर पर जाकर उसका इंप्लीमेंट करेंगे और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का जो किला है पुराने भोपाल के उत्तर विधानसभा, उसको ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।